उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में तीन तलाक पर भाजपा को मिली जीत का आधार शायद अब गुजरात में भी बनने जा रहा है। इसी को लेकर आज महानगर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा की जीत के लिए दुआ की। मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि तीन तलाक के खिलाफ कानून लाने से भाजपा ने हजारों मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय किया है, इसीलिए हम गुजरात की महिलाओं से अपील करते हैं कि वो भी इस चुनाव में भाजपा को वोट देकर अपने सम्मान की रक्षा करें। शहर के कटघर इलाके में आयोजित इस कार्यक्रम में मुस्लिम महिला फिरदौस जहां ने कहा कि मोदी सरकार ने सदियों से चली आ रही कुप्रथा को बंद कर हम मुस्लिम महिलाओं के साथ बहुत बड़ा न्याय किया है। इस कुप्रथा के कारण लगातार उत्पीड़न हो रहा था। पिछले काफी समय से मुस्लिम महिलाएं इसे हटाने को लेकर प्रयासरत थी, लेकिन पिछली सरकारों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मोदी सरकार ने जो वादा किया था उसे उन्होंने पूरा करवाया। अब मुस्लिम महिलाएं भी आत्मसम्मान से जीवन जी सकेंगी, वरना अभी तक प्रथा के नाम पर हर स्तर पर उत्पीड़न होता था। इस दौरान महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लेकर गुजरात चुनाव में भाजपा की जीत के लिए दुआ की। भाजपा नेताओं की माने हालिया निकाय चुनाव में मिली जीत से गुजरात में भी भाजपा को इसका फायदा मिलेगा। यहां बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव से पहले तीन तलाक का मुद्दा खूब गरमाया था, वहीं गुजरात चुनाव में भी इसे दोहराने के लिए भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए हर तरह से प्रयास जारी है। इसी कड़ी में मुस्लिम महिलाओं के सहारे भाजपा गुजरात की मुस्लिम महिलाओं में अपनी पैठ बना रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम महिलाओं का पक्ष रखा है और जो एक नया बिल तीन तलाक के मामले में आने वाला है, हम उसके संबंध में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम उस कानून जो तीन तलाक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए आ रहा है उसका हम समर्थन करते हैं। इससे जो मुस्लिम महिलाएं हैं जो उनका उत्पीड़न होता है उस पर पाबंदी लगेगी। हम इस कानून को और सख्ती के साथ नाफिज करने की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं। मेरा नाम शाहिन अंसारी। शाहिन अंसारी जी आजाद नगर से, मंसूरी कॉलोनी। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो तीन तलाक का मुद्दा उठाया है, ये हम सारे महिलाएं इसका समर्थन करते हैं। और मेरी गुजरात में जो रहने वाली महिलाएं हैं, मुझे उनसे यही कहना है कि भारी मतों से हमारे सरकार को कामयाब बनाएं, बीजेपी को कामयाब बनाएं, जिससे कि हम लोग मजबूत हों और आगे बढ़ें। क्यों वोट दें, क्या कारण है? क्योंकि वो हमारा साथ देते हैं, सबका साथ सबका विकास। उनके जीत के लिए ये भारी मतों से कामयाबी मिली, हमारी सरकार मजबूत हो। और गुजरात के चुनाव में सरकार ने ऐसा क्या करा? मुझे अपने महिलाओं से, गुजरात की महिलाओं से यही अपील करती हूँ कि भारी मतों से हमारे नरेंद्र मोदी जी को जिताएं और हमारी सरकार को कामयाबी मिले, उसे मजबूत बनाएं। क्या दुआ की है आपने अल्लाह से, भगवान से? अल्लाह से हमने यही दुआ की है कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दे। जैसे आज यहाँ पर इकट्ठे हुए तो किस कारण से इकट्ठे हुए? इसी वजह से इकट्ठे हुए कि हम सब लोग एक जगह जमा होकर के इकट्ठे होकर के दुआ करें, सब लोग आपस में मिल करके। केंद्र सरकार ने आपके फेवर में कोई फैसले लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया है जैसे कि तीन तलाक का मुद्दा उठाया है, इसके लिए हमें फायदा होगा, हमारे फायदे के लिए उन्होंने ये काम किया है, तो इसे हम सब महिलाएं समर्थन हम जी। क्योंकि तीन तलाक हमेशा से औरतों के लिए एक अच्छा जरिया वो नहीं रहा है, अब तीन तलाक जब ख़त्म हो जाएगी तो ये सोचिए कि मुस्लिम महिलाओं को अपने अधिकारों का पूरा अख्तियार मिल जाएगा, उन्हें किसी से भी डरने की या किसी के डर में रहने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे आपने दुआ करी तो आज क्या दुआ करेंगे? जी, हमने यही दुआ की है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को गुजरात के चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बने भाजपा की। और अपने समाज की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? जी, समाज की महिलाओं से यही संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी सरकार ने आज तक मुस्लिम महिलाओं के बारे में इतना नहीं सोचा जितना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है, और तीन तलाक से निजात दिलाकर हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया है।